नमस्कार मैं हूँ शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन एशन आजरी में नाराजगी बढ़ती जा रही है विवाद गहराता जा रहा है ये सवाल या ये बातें हमारी तरफ से इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें सामने आई है ऐसे में इन बातों को आधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो बातें हमने आपको पहले भी दिखाई है सुनवाई भी है लेकिन इन सब के बीच एक नया सवाल जो सामने उभर कर आ रहा है एक नया संकेत जो सामने मिल रहा है वो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चुप्पी अब खलने लगी है वो इसलिए क्योंकि पार्टी के भीतर एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि कई दफे ऐसी तस्वीर सामने आई है जब परिवारवाद हावी हो गया है और पार्टी से जो परिवारवाद के बाहर के नेता हैं, उनका अपमान किया जाता रहा है ऐसी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। उदाहरणों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल की अगर बात करें तो शुरुआत से ही जगदानंद सिंह को लेकर उनके तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं अगर आपको याद हो तो जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई थी उस दौरान तेज प्रताप यादव ने इसका सीधा श्रेय जगदानंद सिंह को दे दिया था ये कहा था कि पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह जगदानंद सिंह ही हैं इसके अलावा उनके एक और बयान को याद किया जाए तो हाल ही में जब पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में मंच पर संबोधित तेज प्रताप यादव सभी को कर रहे थे उस दौरान उन्होंने सीधा सवाल कर दिया कि क्या जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं और वाकई इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि वाकई क्या जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव से नाराज़ है बहरहाल ये तो उस वक्त की बात थी लेकिन अगर हाल की ही बात कर लें जो जिस तरीके से छात्र राजद नेता की बैठक में तेज प्रताप यादव ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया इतना ही नहीं अपने बिगड़े बोल की वजह से एक बार फिर से उन्होंने सुर्खियां बटोरी और बटोर भी रहे हैं उन्होंने सीधे तौर पर जगदानंद सिंह को हिटलर करार कर दिया और ये भी कह दिया कि ये कुर्सी किसी की बकौती नहीं अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके से तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल के कई उदाहरण ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने जगदानंद सिंह की बात आपसे की है लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब राघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे उस दौरान ही उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था अस्पताल में भर्ती थे उस दौरान ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी थी इसके बाद तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपनी बातों को रखते हुए ट्विटर पर ये ट्वीट कर दिया कि समंदर से अगर एक लोटा पानी निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है यानी कि रघुवंश बाबू जो काफी ज्यादा पार्टी में एक अहदा रखते थे एक पूरी पार्टी की कमान यूं कहें तो एक तरह से उनके हाथों में थी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी करते थे लेकिन उनके लिए इस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे ही उस दौरान भी सवाल उठे थे हालांकि उस दौरान भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा गई थी लेकिन तो रामचंद्र पूर्वे को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर हमला बोला था और ये कहा था कि दोनों भाई को लड़वाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है इसके अलावा रामकृपाल यादव की बात करें तो रामकृपाल यादव को भी पार्टी में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला यही वजह है कि बीजेपी का दामन थामकर मीसा भारती को सीधी चुनौती उन्होंने दी तो ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट जाहिर हुआ है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो सम्मान जो अहदा उन्हें मिलना चाहिए जो व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा जब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत अपने दोनों बेटों के हाथों सौंपी है अब ऐसे में सवाल तो यह भी उठने लगे हैं कि जिस तरीके से प्रसाद यादव ने हमेशा से जगदानंद सिंह को जगदा बाबू कहकर पुकारा है पिछले तो तारीख से अभी तक जगदानंद सिंह दफ्तर नहीं गए हैं लगातार सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं अब ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले भले ही पिछले तो दरवाजे से उनकी तरफ से फोन पर बातचीत पर बात बिगड़ी जो है उसे बनाने की कोशिश की गई हो लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर अपने बेटों को लेकर उन्होंने कभी भी किसी तरह की बातें नहीं कही है अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या ये सहमति राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी होती है क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बिगड़े बोल को लेकर चर्चा में रहते हैं और इतना ही नहीं पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें ही उनका सम्मान नहीं मिलता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस तरह से चुप्पी साधे रहते हैं और जब भी इस तरह की बातें सामने आती है तो ये सूत्रों के हवाले से खबर उस वक्त भी सामने आ ही जाती है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से फोन पर बातचीत कर समझाने बुझाने की कोशिश की गई है लेकिन सवाल ये भी उठता है कि प्रत्यक्ष तौर, तौर पर सामने आकर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन सवालों का जवाब नहीं देते क्यों अपने बेटों से सीधे संवाद नहीं करते अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई ये डैम कंट्रोल एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर पाएंगे से खारिज भी किया था उड़ती उड़ती अफवाहें हैं मुझे इस पर किसी तरह की बात मालूम नहीं हालांकि ये बात भी सूत्रों के हवाले से उस वक्त सामने आई थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा फोन मिलाकर उनसे बातचीत की और ये कहा कि अब पार्टी की पूरे दारोमदार आपके कंधों पर ही है मेरे दोनों बेटे भले ही पार्टी के विरासत को संभाल रहे हैं लेकिन उन्हें देखना आपका काम है मैं बीमार रहता हूं ईश्वर मेरे साथ क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप पार्टी के जिम्मेदारी को निभाएं अब ऐसे में ये बातें तो उनकी तरफ से कही गई की भी गई लेकिन जब इस तरीके से लगातार अपमान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सहना पड़ रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या वाकई आरजेडी में परिवारवाद ज्यादा हावी हो रहा है क्या सम्मान जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलना चाहिए वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे नहीं दे पा रहे क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी तेज तीज़ प्रताप ने पूरी तैयारी चुनाव को लेकर की उस दौरान भी कई तरह के इस तरह विवाद सामने उभरे थे और आए भी थे और अब जब इस तरह की चर्चाएं एक बार फिर से चरम पर आई है तो लगातार ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चुप्पी सभी को खल रही है फिलहाल इस सवाल को लेकर हम इस वीडियो को अंत कर रहे हैं लेकिन आप हमें बताइए कि क्या वाकई आर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चुप्पी सही है या गलत क्या उन्हें सामने आकर खुलकर बोलना चाहिए या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज ऑन एशन के साथ नमस्कार